साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति सक्रियता के साथ एक नए मुहाने की तरफ जा रही है। मुहाना वो है दलित वर्ग, मुहाना वो है उस वर्ग जो अभी तक अपेक्षित होता आ रहा है, उपेक्षा होती है उस वर्ग की, और केवल याद आता है हमारे राजनीति के धुरंधरों को चुनाव के समय। भाई क्या करें, कारण ही ऐसा है, राजनीति व्यवसाय ऐसी है कि यहाँ पर केवल गरीब वर्ग, शोषित वर्ग, कमजोर वर्ग चुनाव के समय ही लोगों को याद आता है। पर क्या करें, राजनीति भी जरूरी है और चुनाव भी जरूरी है। इसलिए यहाँ पर वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए लगातार कवायद जारी है और रस्साकसी का दौर लगातार चरम पर है। भाई होना भी चाहिए, चुनाव निकाय चुनाव भी है और 24 का आम चुनाव भी है। उस चुनाव के माध्यम से, निकाय चुनाव के माध्यम से यहाँ बहुत कुछ समीकरण स्पष्ट होने वाले हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी मिशन काशीराम के तहत तमाम तरह के कार्यक्रम करा रही है, यहाँ तक कि बसपा संस्थापक काशीराम की मूर्ति का अनावरण भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में कर दिया। उसके साथ साथ उसमें और महत्वपूर्ण बात ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बसपा के कभी सदस्य रहे, उसके भाजपा में गए और फिलहाल सपा में हैं, राज्यसभा सदस्य हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातों को कहा और यहाँ तक कि भीड़ में मिले मुलायम काशीराम और भीड़ से हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे तक लगवा दिए। नारों की व्यवस्था ऐसी कि हिंदू युवा वाहिनी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पर स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से लगातार एक अलग वर्ग को प्रसन्न करने के लिए बयान देते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि इस बार सपा इस वर्ग को अपने पाले में करने के लिए लगातार प्रयासरत है। खैर, बीजेपी भी कम नहीं है और बीजेपी यहाँ इसको चुनौती मानते हुए, क्योंकि अगर इस वर्ग की बात करें तो बहुत कुछ बीजेपी के साथ चला गया। कारण, बसपा से वर्ग छिटक कर जब कहीं और नहीं गया तो ये बसपा से अलग, एक अलग पटकथा के साथ चलते हुए, एक अलग विचार के साथ चलते हुए बीजेपी में बहुत कुछ हद तक चला गया है। खैर, बीजेपी अपने इस वर्ग को नाराज करना नहीं चाहती है और जिस तरह हम देख रहे हैं कि ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग के तमाम बड़े नाम इस समय भारतीय राजनीति के बड़े बड़े पदों पर विद्यमान हैं, चाहे स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, चाहे भूपेंद्र चौधरी की बात करें, या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें। इसके अलावा आज की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है, घटनाक्रम यह है कि अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे और कौशाम्बी और आजमगढ़ में उन्होंने जल सम्मेलन को संबोधित किया, करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया और उन जिले पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं जहां पर बीजेपी का नुकसान हुआ। कौशाम्बी में नुकसान बड़ा, आजमगढ़ में 700 सीटें हार गए, कौशाम्बी में भी यही हालत। यहाँ तक कि बीजेपी के ओबीसी के बड़े नाम यानी केशव प्रसाद मौर्य, वर्तमान डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी अपना चुनाव हार गए थे। कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करती है कि अब बीजेपी की यही व्यवस्था है, यही रणनीति है कि जहाँ पर हम जीते हैं वहाँ को तो चलो ठीक है, पर जहाँ हम हारे हैं वहाँ पर हमको अपने आप को मजबूत करना है। खैर, आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव जीत गए उपचुनाव में, पर कहीं ना कहीं जो विधानसभा 100 सीट हारने की जो एक टीस है वो फिलहाल भी अभी बीजेपी में बनी हुई है। उसको लेकर जिस तरह की कवायद लगातार चलती आ रही है, स्पष्ट करती है कि बीजेपी हर चुनाव को बड़ी संजीदगी के साथ लेती है। भाई संजीदगी के साथ लेना ही होगा अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है या कुछ अलग करना है। बीजेपी जहाँ एक तरफ अपनी हैट्रिक को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बार कुछ अलग दमखम के साथ नजर आ रही है। राहुल गांधी की 3570 किलोमीटर की यात्रा ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार कांग्रेस बदली बदली से रहेगी, और बदली बदली इसलिए भी कि राहुल गांधी को जिस तरह से जन समर्थन मिला, लोग जुड़े, तस्वीर आई यात्रा के दौरान, वो स्पष्ट कर रही थी कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित होते नजर आ रहे हैं। खैर, बड़ा नाम है और इससे कोई अलग बात नहीं कि गांधी परिवार की देश में एक अलग इज्जत है। वो आज भी तमाम लोग अगर बात करें, अगर बीजेपी से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा भी है जो लगातार कांग्रेस को अपने हृदय में बसाता है, उसका कांग्रेस से जुड़ाव पुराना है। राहुल गांधी की अगर पुराने घटनाक्रम की बात करें तो बहुत बेहतर कवायद नहीं रही, पर जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं हाल में कि स्थिति दूसरी रही, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्थिति के बीच में एक बात और, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दिए गए बयान के बाद चर्चा में आए, उसके बाद जब सजा हुई एक मामले में, उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई उस बात, और उसके बाद जो स्थिति रही कि राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, और 23 मार्च की जो दिन था
जिस दिन रॉलेट एक्ट के तहत महात्मा गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया था, उस दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने माफी मांगने से इंकार करने पर उनको फांसी दी गई थी, तो राहुल गांधी ने 23 मार्च के दिन को ऐतिहासिक बनाया और माफी ना मांगते हुए कहा कि मुझे जो सजा है वो जब दे दीजिए, पर मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओबीसी वर्ग को नाराज नहीं किया था, बल्कि सरनेम के बारे में ये कहा था कि ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। खैर, यहाँ चर्चा विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस चर्चा की बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिलहाल निकाय चुनाव और 24 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर चर्चा कैसे होगी। देश का केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पुरोधाओं में एक, महत्वपूर्ण अंगों में एक, महत्वपूर्ण चरणों में एक अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर, आजमगढ़ और कौसाम्बी, मिशन कौसाम्बी और आजमगढ़, ये इसलिए मैं शब्द बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर मिशन ही था। क्योंकि अगर अमित शाह उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जा रहे हैं, विशेष रूप से वहाँ पर दलित सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वो काट ढूंढ रहे हैं जो सपा के खिलाफ है, वो समाजवादी पार्टी जो अपने आप को यहाँ पर फिलहाल पिछड़े वर्ग का मसीहा के रूप में बताती आ रही है। चर्चा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से चर्चा के माध्यम से हम तमाम विषयों पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या, इस वर्ग का हितैषी क्यों है और अमित शाह के दौरे से क्या कुछ यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है, और समाजवादी पार्टी जो एक अलग पटकथा के साथ यहाँ पर शुरुआत करने जा रही है, इस वर्ग को लेकर उसको क्या चुनौती मिलेगी। प्रवक्ता के रूप में भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव अपनी बात रखेंगे, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी अपनी बात रखेंगे और विकास श्रीवास्तव यहाँ पर कांग्रेस के फॉरवर्ड प्रवक्ता के रूप में भी बात रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में यहाँ पर हमारे साथ सुनील त्रिपाठी भी बात रखेंगे। आपसे मेहमान का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, कैसे देखते हैं और यहाँ पर गृह मंत्री को आना पड़ गया भाई, कौसाम्बी और आजमगढ़ में जो स्थिति आपकी हुई वो छिपा नहीं है, लोकसभा का उपचुनाव जरूर जीत गए हैं, पर सच्चाई आपको ही पता है कि 100 विधानसभा सीटें आप हारे हैं आजमगढ़ की, कैसे देखते हैं? हम अपने स्थापना दिवस से लेकर के जी बाबा साहब की जयंती तक जी सामाजिक न्याय सप्ताह बनाने का कार्यक्रम हमारा पहले से घोषित है जी जी, और ये सीटें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जी, लोकसभा हम यहाँ जीते हुए हैं, विधानसभा हम हारे हुए हैं, उस बाबत तैयारी का सिलसिला हमारा सालों पहले से इन सीटों पे चल रहा है। उन सीटों का चयन किया गया जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। अच्छा, विधानसभा वार भी उनका देखा गया, लोकसभा वार भी ऐसी सीटें चिन्हित की गई जी, और उन सीटों पे सालों पहले से हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ तक लगे हुए हैं, कैसे उन सीटों पे बूथ तक हम पहुँचे और बूथ वार अपनी जीत दर्ज करें, ये कार्यक्रम हमारी पार्टी का बहुत पहले से चल रहा है। अच्छा, मेरी जानकारी तो यह आया था कि जनवरी में डिसाइड हुआ था कि गृह मंत्री जाएंगे और उन सीटों पर भ्रमण करेंगे, उन सीटों पर संबोधन करेंगे, वर्ग को संबोधित करेंगे जहां पर आप लोग हारे हैं। नहीं, ये तो विषय जनवरी में कार्यक्रम मना गृह मंत्री हाँ, जी का मेरे ख्याल से कार्यकारिणी की बैठक थी बीजेपी की, वहां ये निश्चित हुआ इसके पूर्व में पहले जी उन सीटों का चयन, उस पर होमवर्क, और जिन सीटों पे आज कार्यक्रम हो रहा है, सत्य बात है सीटें हमारी कमजोर थी, हम वहाँ हारे हैं, उन कार्यक्रमों में जनता कहाँ से आती है, पब्लिक कहाँ से आती है, बूथ से आती है, बूथ से लोग तब निकलते हैं जब हमारा बूथ तक संपर्क होगा, वहाँ हमारा एक अभियान होगा। अच्छा। वहाँ से वहाँ मजबूत होंगे तब बूथ से निकल करके लोग हमें कार्यक्रमों में सुनने आते हैं जी, ये एक दिन का कार्य नहीं होता है जी, ये महीनों पहले से कवायद चल रही होती है। अच्छा, तो ये सीटों पे हम करीब पिछले साल भर से ज़्यादा से इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और ऐसी सीटों पे कार्यक्रम भी लग रहे हैं, गृहमंत्री जी का भी लगा और लोगों के भी कार्यक्रम लगेंगे, और उन सीटों में आम मतदाता तक, बूथ तक कैसे हम पहुँचे। अच्छा, कैसे उनको अपने पार्टी के नित्य सिद्धांतों से परिचित कराए, अपने दोनों सरकारों के कार्यों से अवगत कराए, और कैसे उन कार्यों का लाभ
जनता के अंतिम पायदान पर खड़े आदमी को मिल रहा है और उन तक पहुंचाने का कार्य भी हमारा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से चल रहा है। और उसी निमित्त आज इस तरह के कार्यक्रम की नौबत आई जिसमें हमारे आदरणीय अमित भाई शाह जी शिरकत किए जी, और ये कार्यक्रम इस तरह के अभी चलते रहेंगे जी। और भारतीय जनता पार्टी कभी विश्राम न लेने वाली पार्टी है। अच्छा, और हम तब तक इस कार्यक्रमों के बाबत अब विश्राम की मुद्रा में नहीं हैं जब तक इन सीटों पे जीत दर्ज करके जी हम नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री न बना दें। अच्छा जी विवेक भाई, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जगह जाते हैं, हिमाचल भी गए, हैदराबाद भी गए, समय समय पर चले जाते हैं और बीजेपी के फायरबान प्रचारक के रूप में पहुँचते हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर उनको लाभ भी मिलता है, बीजेपी को यहाँ पर जीत भी हासिल होती है। पर यहाँ पर क्या आपको क्या लगता है, कौशाम्बी में और आजमगढ़ में क्या योगी का मुख्यमंत्री है जो उनका क्या एक जो स्टार्डम है या जो उनकी व्यवस्था है, जो उनकी छवि है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है? फायरमैन प्रचारक हैं बीजेपी के, अलग छवि है और निश्चित रूप से वहाँ पर बीजेपी को लाभ भी मिलता है हर जगह, तो क्या इनके जाने से लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर अमित शाह को जाना जरूरी पड़ गया क्या? नहीं देखिए, ऐसी सीटें जी पर ये कार्यक्रम सबके लगते हैं जी, अमित भाई शाह जी का भी लगा है, आगे योगी आदित्यनाथ जी का भी लगेगा, अन्य लोगों के भी लगेंगे, ये तो कार्यक्रम अभी वही लगा दो एक, ये तो कार्यक्रमों का एक सिलसिला चलता है जी। योगी आदित्यनाथ जी का अपना आभा मंडल है जी, जहाँ जाते लोग उनको सुनने आते हैं जी, तमाम प्रदेशों में उनके कार्यक्रम हैं जी। अभी आपने देखा कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे थे उनको हम बुलाएंगे चुनाव में जी, उनके यहाँ सभाएं लगेंगी, अरे यार उनको लोग सुनना चाहते हैं जी। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के भी कार्यक्रम लगेंगे, ये कोई ये ऐसा नहीं कि एक आदमी का कार्यक्रम लग गया तो और लोगों के कार्यक्रम नहीं लगेंगे। अच्छा, इस तरह का कार्यक्रम चलते रहेंगे, जनता तक अपनी आवाज हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, उनके बीच हमारा संपर्क और संवाद सतत चलता रहे। अच्छा, और आगे भी चलता रहेगा। अच्छा, इस निमित्त इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे। अच्छा, केवल दलित क्या केवल कौशाम्बी और आजमगढ़ में है क्या? नहीं, ये विषय नहीं है। अच्छा, ना पूछ लिया मैं तो ऐसे ही, ये सामाजिक मेरी बात नितिन भाई मुस्कुरा दिए, सत्ता जो पूछ लेगा कार्यक्रम जो चल रहा है जी, इस बाबत वहाँ पे कार्यक्रम लगा है। अच्छा, आगे और जगह पे और नेताओं के भी कार्यक्रम लग रहे हैं। नहीं, मैंने सोचा कि जहाँ हारे वहीं जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, और भी जगह कार्यक्रम लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह, मेरे पास तो जानकारी नहीं है, हो सकता आपके पास जानकारी, और लोगों के भी कार्यक्रम लगेंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह का सत्र है, सामाजिक न्याय सप्ताह है, इसमें सब जगह कार्यक्रम लगेंगे। अच्छा ठीक है, नितिन भाई जी, भाई यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और निश्चित रूप से यहाँ पर अमित शाह पूरी जद्दोजहद के साथ यहाँ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी आजमगढ़ में इस वर्ग को एक करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए रस्सा कसी का दौर शुरू हो चुका है। भाई मैं इस दौर इसलिए बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग तभी याद आता है जब फिलहाल चुनाव आते हैं, पहले इस वर्ग की बात कोई नहीं होती। जब इस वर्ग के ऊपर कष्ट आते हैं तो तमाम बातें तो होती, ट्वीट भी होता है, पर कोई खड़ा नहीं होता है। और इसका तस्वीर मैं हूँ, मैं जानता हूँ, तमाम ऐसी खबरें हैं, तमाम ऐसे मामले हैं जो स्पष्ट करते हैं कि केवल चुनाव के समय इस वर्ग की याद सबको आती है। कैसे देखेंगे आपके मिशन काशीराम को यहाँ पर चुनौती मिलने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, कैसे देखते हैं? गौरव जी, जी धन्यवाद महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल करने के लिए जी। देखिए हमारे साथी ने बहुत विस्तार से उन्होंने जी इस दौरे को प्रकाश डाला जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है जी, जब एक तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस बार ही काट लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी की तो दो तीन बार चढ़ गई जी। हुआ क्या कि जब इस देश में पूर्व की सरकारें रही जी, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में के मिशन पर निकली तो उसने इस तरीके का प्रोपोगंडा और प्रचार किया कि अब तक इस देश में कोई विकास नहीं हुआ था, पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं किया। और ये आने वाले हैं तो ये आकर के देश को इतना कुछ देने वाले हैं, अच्छे दिन, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, नहीं मिलेगा जिस सपनों से जी आपको नहीं मिले क्या? नहीं, आपको मिले होंगे उससे थोड़ा बात भी नहीं मिला, पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे, पूछ रहा हूँ बस। तो ठीक है, आपको भी नहीं मिले, हमें भी नहीं मिले, तो इसका मतलब फिर किसी को नहीं मिले। अच्छा अच्छा, तो जब ये लोगों को ये सपना लगा
जी और इनसे ये उम्मीद हुई कि नहीं ये बड़े ईमानदार लोग हैं, जी बड़े राम भक्त लोग हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, तो ये जरूर ऐसा कुछ करेंगे जिससे इस देश की आम जनता को, गरीब को, पिछड़े को, राम भक्त वाला शब्द समझ नहीं आया मेरे भाई नितिन भाई, ये राम भक्त वाला शब्द समझ नहीं आया मेरे को। पूरा सेंटेंस पूरा कर देना तो आ जाएगा समझ, सुना लीजिए। जैसे आपने विवेक जी को बिना टोके बोलने दिया, भाई मेरे ऊपर भी दया कर दो, इतना समय तो दे दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन लोगों ने राशन, इसलिए कि आज सिर्फ गरीब आदमी राशन का एक मुद्दा लेके आए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल पहले भी मिल रहा था, हम लोग सरकार भी दे रही थी। ये कोरोना कार्यकाल से वो राशन फ्री हुआ, यानी 10 किलो राशन 50 रुपए का जो राशन है उसको तो इन्होंने फ्री किया, लेकिन उसके बदले में 400 का सिलेंडर 1200 रुपया, 60 रुपए का डीजल पेट्रोल 100 रुपया, मोबाइल के रिचार्ज, डिश के रिचार्ज, जीएसटी डबल, किसानों का जितनी फसल है साढ़ खा लिए, सिंचाई महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, चीनी और मिट्टी का तेल गायब कर दिया। अच्छा। ये बात अब इस प्रदेश का दलित, पिछड़ा, गरीब आदमी, शोषित वंचित सब जान गया है। अच्छा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और उनके नेता भी जान गए। अच्छा। कि अब ये इनका कार्ड नहीं चलने वाला है, तो अब ये फिर से जमीन पर उतर करके आए। 5 साल चूंकि इनको नहीं दिखाई पड़ा, ये दूसरा कार्यकाल 9 साल होने जा रहा है मोदी जी का, कंप्लीट हो गया। अब इनको लगा कि 9 साल बाउंस हो गया, अब जनता जान गई और जनता जवाब देना शुरू कर चुकी है। अच्छा। लोग सड़कों में जवाब दे रहे हैं, गली गली चर्चा शुरू हो गई है। अच्छा। एक दौर में जो नारा लगता था, खा गई शक्कर पी गई तेल, ये देखो कांग्रेस का खेल। अच्छा। आज वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू होने लगा है। अच्छा। दूसरा क्या हो गया कि अब लोग सबको, लोगों को पता हो गया है कि भाई LIC का 60,000 करोड़ रुपया एक आदमी को क्यों दे दिया गया, उसके शेयर डूब गए। 1,57,000 करोड़ रुपया का जो शेयर खरीदा गया वो एक विशेष की कंपनी में से क्यों खरीदे गए, PF का फंड जो है 28,000 करोड़ लोगों का ये कहां लगाया जा रहा है, ऐसे ही बहुत सारी तो बेनामी कंपनियां, इलारा कंपनी, ये 99% पैसा एक कंपनी को क्यों दे रही है। एक जो कंपनी है आपकी इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी 8,200 करोड़ रुपया एक ही कंपनी को क्यों इन्वेस्ट कर रही है अपनी पूरी कैपिटल का। इसी तरीके से एक कंपनी जो है 24,766 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। मोटी मोटी बातें, ये मात्र 3 फर्जी कंपनियां, जिसको मोदी जी कह रहे थे ना पिछली बार कि हमने इतनी सेल कंपनियां बंद कराई, ऐसी सेल कंपनियां जिनके मालिकों का भी नाम नहीं मोदी जी बता पा रहे हैं। अच्छा। ऐसी 3 कंपनियों का मैंने मात्र नाम लिया, APMS, ये 3 कंपनियां 51,932 करोड़ रुपए एक उनके मित्र की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ अपनी पूरी कैपिटल का। अच्छा। 99% इन्वेस्ट कर रही है ऐसी कंपनी जिसमें एक भी कर्मचारी नहीं है, तो ये पैसा किसका है? अच्छा। ये कंपनी किसकी है? उनके मालिकों तक का नाम से भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही। अच्छा। और हिंडनबर्ग ने तो ऐसी 38 कंपनियां बताई है। अच्छा। हमने तो 3 कंपनियों को उदाहरण दिया। अच्छा। ऐसे 1,18,932 करोड़ रुपए कहां चले गए, CAG की रिपोर्ट बता रही है। अच्छा। पता नहीं सरकार कह रही मिसलेनियस में अदर्स, 1,18,932 करोड़ रुपए CAG की रिपोर्ट, पता नहीं। ये बातें आम जनता तक पहुंचने लगी हैं। अब ये समझ गई है क्या कि जो है? लोग क्या जिनका राष्ट्र से कोई रिश्ता नहीं था। अच्छा। अब वो राष्ट्रवाद की बात आगे करके आते हैं, जिनका धर्म से कोई रिश्ता नहीं वो धर्म की बात करते हैं। अच्छा। इस तरीके की अभी बातें आम जनता जानने लगी। अच्छा। और जानने लगी इसलिए इनको जमीन पर उतर के जाना पड़ रहा है। अच्छा। लेकिन अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, पहले आसमान में उड़ते थे क्या ये लोग? बिल्कुल हवा में थे। अच्छा, हवा में थे। और वो आम जनता को, इस देश की गरीब जनता को। अच्छा। इन्होंने झूठे सपने दिखाए थे। अच्छा, और यही हमें साजी है। ये तो कहते थे ये जुमला है। हाँ। 15 लाख रुपया जुमला है। अब वो जुमला जनता जान गई। चलिए, अब जुमला जान गई जनता। तो अब ये आए धरातल पर। अब देखिए धरातल पर क्या लेकर के आए, और 10 साल का हिसाब जनता मांग रही है। आपको नुकसान तो नहीं देंगे? 9 साल का हिसाब। आपको चुनौती तो नहीं मिलेगी? अब हमको कोई चुनौती नहीं है। अभी इनको समझ में आने जा रहा है 2024 नहीं, आपका भी मिशन देश सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आपका भी मिशन काशीराम चल रहा है, इसलिए मैंने पूछ लिया ऐसे ही। भैया मिशन काशीराम हमारा नहीं चल रहा है। अच्छा। हम लोग तो पहले से दलित, अच्छा, शोषित, वंचित, समाजवादी पार्टी का नाम ही है। अच्छा। समाजवाद का मतलब होता है। अच्छा। कि जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ लगातार संघर्ष। हम लोग 91 से 96 दिखा चुके हैं। 91 में माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय उत्तर प्रदेश में भाजपा को हवा उड़ा चुके हैं। उड़ा रही है, बिल्कुल हवा उड़ा चुके हैं।
और उसी के चलते ये साजिश करके इसको तोड़ा गया था। ठीक है ठीक है, विकास श्रीवास्तव कांग्रेस से। विकास भाई, भाई भारत जोड़ो यात्रा मैं नहीं बोलूंगा कि असफल रही, सफल इसलिए रही क्योंकि यहाँ पर जो वैक्टिव है वो परपक होकर गुजरा है और कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन भी मिला है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस समर्थन के बाद, उस चर्चा के बाद, उस सरगर्मी के बाद फिलहाल कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर अब सत्याग्रह पे करने के बाद अब आगे कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो रस्साकसी का दौर जारी है दलित पिछड़े वर्ग को अपने पाले में करने के लिए। आपकी रणनीति क्या है, क्योंकि अभी तक आपकी तरफ से कोई इस तरह का अभियान न शुरू किया है और ना इसकी कोई चर्चा आ रही है, कैसे यहाँ पर सपा और भाजपा को चुनौती देंगे, क्योंकि इस वर्ग के वोट बैंक का बहुत कुछ आधार सत्ता निर्धारित करता है। आपकी तैयारी क्या है और अमित शाह के दौरे और समा के मिशन काशीराम को लेकर आपकी क्या राय है? जी विकास श्रीवास्तव कांग्रेस। पूरी तरीके से दलित विरोधी रहा है जी, 9 वर्षों से मोदी सरकार है जी उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश दलित पीड़ित में नंबर 1 है जी, SPRB के आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है जी कि उत्तर प्रदेश समेत देश भर में दलितों के साथ अत्याचार अन्याय भारतीय जनता पार्टी शासन काल में नंबर 1 पर जी। भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के 2 अक्टूबर 2017 को जो रोहड़ी आयोग गठित किया था जी, उसका अपने कार्यकाल में 17 से 18 बार तक का कार्यकाल बढ़ा दिए जी। संसाधनों के अभाव में दम तोड़ रहा है रोहड़ी आयोग जी। उत्तर प्रदेश में जस्टिस राघवेंद्र कमेटी 400 पन्ने की रिपोर्ट आई थी, क्योंकि अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रभारी थे, उन्होंने अति पिछड़ों की बड़ी चिंता दिख रही थी जी। अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जस्टिस राघवेंद्र कमेटी बनी जी, 400 पन्ने की रिपोर्ट आई, पिछड़ा अति पिछड़ा और सार्वजनिक पिछड़ा में कैटेगराइज किया गया और सामाजिक न्याय का कुछ हिस्सा केवल 2-3 जातियों को छोड़कर शासन से लेकर के सत्ता और राजनीतिक 56-57% उत्तर प्रदेश की जातियां, देश की समस्त राज्यों की जातियों को जो आरक्षण की जो व्यवस्था पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की शासन में ही जातीय जनगणना का जब विषय उठा तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ सदन में मना कर दिया जी। इसी को आधार बना करके अति पिछड़ों के नेता नीतीश कुमार जी ने इनसे नाता तोड़ लिया जी। विदेश राज्य का दर्जे की बात आई तो आंध्र प्रदेश के साथ इन्होंने वोट लेने को ठगा जी, बीजेपी ने इसे समझौता तोड़ दिया जी। देश के करीब 12-1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों ने जो अति पिछड़ों दलितों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और आज वो सब गठबंधन से बाहर हो चुके हैं NDA से जी। रोहित वेमुला से शुरू हुआ दलित उत्पीड़न का जो सबसे बड़ा उदाहरण था, इसके बाद उत्तर प्रदेश में दलित बेटी को हाथ रस में आपने देखा, उसको सामाजिक न्याय भी नहीं मिला, कोई है क्या? जैसा संयंत्र किया गया भारत योगी सरकार में उस दलित बेटी का अपमान किया गया, आनंद फानंद में उसको किस तरीके से जलाया गया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का क्रूरतम चेहरा दिखाई पड़ा जी। योगी सरकार का क्रूरतम चेहरा दिखाई पड़ा जी। आगरा में थाने के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों को मारा गया जी। दिल्ली में लैंड यूज हो गया, चेंज किया गया, इसको आधार बनाकर रैदास मंदिर तोड़ा गया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आवाज उठाया जी। हाथरस की लड़ाई दलित बेटी के लिए प्रियंका जी ने लड़ी, राहुल जी ने लड़ी जी। और भारतीय जनता पार्टी अहंकार से लबरेज है, आज समूचे देश में मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। समूचे देश में जी जो SPST जी जो कानून था जी उसको तोड़ने, उसको कमजोर करने का, कुंद करने का काम किया जी। बैकलॉग में नियुक्तियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को देख लीजिए जी। 9 वर्ष के कार्यकाल में जी उच्च शिक्षा में तमाम सारे पद हैं जिनको भर्ती में अति पिछड़ों और दलितों का दैन दर्जे का व्यवहार किया गया जी। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश का जो मामला था जी बिल्कुल कर दी। ये इस्तेमाल है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक जो संवैधानिक अधिकार दिया गया था जी बाबा साहब ने, उस संवैधानिक अधिकार को छीन लेना चाहती है और आज तक RSS
जी अति पिछड़े दलित समाज का किसी भी व्यक्ति को सरसंचालक नहीं बनाया गया, आरएसएस प्रमुख कोई नहीं आज तक, आप देखते एक वर्ग विशेष और पूरी तरीके अच्छा। से भारत को नफरत विघटन बंटवारे अच्छा वर्ग विशेष को आरएसएस का प्रमुख बना रहे राजनीति करना अच्छा अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। प्रवक्ता आप सही मोहम्मद तकी भाई बड़ी दूरी से आप बैठे हुए हैं, खैर अभी आपका टर्न नहीं आया तो आपने कहा दूरी बैठ ली जाए। भाई यहाँ पर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं इस वर्ग को अपने पाल में करने के लिए, और अमित शाह का दौरा यहाँ पर है और कौसाम्बी आजमगढ़ आया था। खैर दौरों के बाद की स्थिति आपको पता है, दौरे होते हैं और दौरे के माध्यम तमाम समीकरण साधे जाते हैं। आम आदमी पार्टी की कैसी तैयारी है, आप इस वर्ग को कितना प्रेरित देंगे, क्योंकि यहाँ पर दलित वर्ग को अपने पाल में करने का प्रयास हर पार्टी कर रही है। आपकी रणनीति क्या है, आपकी राय क्या है और कैसे व्यवस्था को देखेंगे? जी देखिए गालिब साहब का बड़ा अच्छा शेर है, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है जी, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अच्छा जब भारतीय जनता पार्टी से उसने उपलब्धियों के बारे में पूछा जाता है, जब पूछा जाता है कि उसने क्या किया जी, और जब हम पूछते हैं मोदी जी अपनी डिग्री सही दिखाएंगे दिखाएंगे अच्छा, तो अच्छा। हम लोगों को हमारी औकात दिखाने लगते हैं, तुम क्या कहने लगते हैं, कहते आप हमें गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं जी, तो इस तरह का जो आचरण है वो सही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर वक्त के साथ जुड़ना चाहती है, उसको वोट चाहिए, वोट की राजनीति करती है हमेशा, और लोगों को जुड़ना चाहती है, झूठे मोटे वादे करके कुछ भी प्रबोलन देके वो अपने साथ जुड़ना चाहते हैं। हमने कई बार देखा यही अमित शाह जी जो है वो दलितों के साथ खाना खा रहे थे, उनके झोपड़ी में जाकर खाना खा रहे थे, बड़े अच्छा लगा मुझे अच्छा। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियां जो है दलितों की झोपड़ियों पर, आपको अच्छा क्या लगा, खाना खाना अच्छा लगा कि भाई गाड़ी अच्छी लगी? नहीं हमें तो दोनों चीजें अच्छी लगी कि भाई दलित के घर में कोई अमीर आदमी गया है, कोई मंत्री गया है, खाना खाया है अच्छा। और दलित फोटो खिंचवाई गई, पेपरों में फोटो निकली अच्छा। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी दलितों के पैर छू रहे थे, तो आप भी जाया करें, आप क्यों नहीं जाते? अरे आप भी छू लीजिए, आप भी पैर धो लीजिए, क्यों नहीं जाते आप? देखिए उनके पैर सुन तो लीजिए गौरव जी, पूरी बात आना दीजिए, सुना दीजिए, उनके पैर धो रहे थे, लेकिन लेकिन वही बीजेपी ने जो है दलितों के आरक्षण भी खत्म किए, वही बीजेपी ने जो है दलितों की छात्रवृत्ति भी खत्म करी, वही बीजेपी ने दलितों के आरक्षण को यूनिवर्सिटी लेवल पे खत्म करने की कोशिश करी अच्छा। और वही वही इसी बीजेपी ने दलितों को प्रोफेसर की जॉब भी नहीं दी, उनको नौकरियों में जो रखा गया सब मुसलमान वर्ग के लोगों को रखा गया, दलितों को नहीं दिया। और जो आरक्षण जो है दलितों ने आरक्षण का उन्होंने हमेशा विरोध किया और श्रोणों को आरक्षण दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो दलितों के साथ जो प्रेम दिखा रहे हैं सिर्फ धोखा छलावा है, ओबीसी के साथ जो प्रेम दिखाते हैं धोखा छलावा, ताकि इनको वोट मिले। बाकी जब वो ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़े जातों की बात करते हैं, लेकिन वही जब अखिलेश यादव सीएम आवास को छोड़ते हैं और निकलते हैं, वहां उसको धुलवाया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, वो बीजेपी अपने बातों को भूल जाती है कि जैसे ओबीसी मुख्यमंत्री निकलता है तो क्या जरूरत थी सीएम आवास को शुद्धिकरण कराने की, उसको साफ करने की अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरफ कहती है कि वो हर वक्त मुस्लिम विरोधी बयान दिया करती है अच्छा। तो मुस्लिमों को नया नाम रख दिया है कि पसंदा समाज करने लगते हैं। आप इस वर्ग के प्रशंसक है, आप इस वर्ग के सपोर्ट करते हैं, आपके पार्टी इस वर्ग को सम्मान मिलता है? देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा सौरभ जी, बहुत गौर सुनिएगा, वो बात ये है कि हर दलित गरीब नहीं है अच्छा, हर दलित जो है वो आज गरीब नहीं है बिल्कुल, लेकिन हर गरीब जो है वो शोषित है, दरिद्र है, क्या बात, और उसकी हालत दलितों से भी बदतर है अच्छा अच्छा। तो आम आदमी पार्टी जो है वो गरीबों के लिए आवाज उठाती है, उनकी शिक्षा की बात करती है, उनकी स्वास्थ्य की बात करती है, जो व्यक्ति 10,000 रुपए महीना नहीं कमा पा रहा है वो 1,150 रुपए का सिलेंडर कैसे लेगा, वो 100 रुपए का पेट्रोल कैसे डलवाएगा, वो महंगा है शिक्षा कैसे देगा, हम सबकी बात करते हैं। तो जब हम सबकी बात करते हैं तो खासतौर से दलित वर्ग के लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे है, जो बहुत गरीब है, जहाँ आबादी ज्यादा उनकी, वो लोग उसके अंदर ज्यादा आते हैं खासतौर से। और इसी बात का बीजेपी बदला लेती है कि अच्छा। जब मनीष सिसोदिया ने दलितों के, गरीबों के, टैक्सी ड्राइवरों के, ऑटो ड्राइवरों के, पटरी वालों के बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, अच्छे तरह पढ़ाई की, 5-स्टार स्कूल की फैसिलिटी दी, तो बीजेपी ने हमसे बदला लिया मनीष अच्छा, लिया कि उनको एक झूठे आरोप में अच्छा। उनको जेल ला दी। आज भी सीबीआई ने तीसरी चार्जशीट फाइल की है मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। और मनीष सिसोदिया जी जो है वो कह रहे हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है अगर यदि पढ़ा लिखा होता, शिक्षित होता और उसकी डिग्री भी असली होती तो इस तरह कार्य नहीं करता, स्कूल इस्तीफा ले लिया था, आपको याद है? इसी वर्ग से दो तथ्य पता है,
आपने इस्तीफा लिया कि नहीं? थोड़ा त्रुटि है इसमें, एक तो त्रुटि है कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने प्रोग्राम नहीं दिलाया था, उन्होंने प्रोग्राम नहीं कराया था, हाँ किसी और ने कराया होगा, प्रोग्राम होता है और वो गए थे वहाँ पर और उनका जी बता दीजिए। अरे सुनिए तो, सुना दीजिए, सुना दीजिए। उन्होंने प्रोग्राम नहीं कराया था, बुद्धिस्टों ने प्रोग्राम कराया था, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग ऐसे प्रोग्राम कराए जाते हैं। अच्छा, ऐसे प्रोग्राम में जो है बहुत से मुख्यमंत्री प्रदेश के उसमें सम्मिलित होते हैं। बीजेपी ने जो झूठे आरोप लगाए उनके ऊपर, जो इस तरह अटक रहते हैं, आप इस्तीफा मांग लिया, जवाब देते हैं आप? आम आदमी पार्टी ने कोई इस्तीफा नहीं, बिल्कुल इस्तीफा लिया है, मेरे पास जानकारी है, सूत्र बताते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मांगा। आप अपने आप इस्तीफा दे दिया, उस कार्यक्रम के बाद इस्तीफा क्यों दिया भाई, वो बता दीजिए, वजह आप बता दीजिए, वजह मैं जानना चाहता हूँ। इस्तीफा बीजेपी के लोगों ने मांगा था। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा मांगा, अरविंद केजरीवाल को साथ देना चाहिए था भाई, उनको तो अरविंद केजरीवाल साथ खड़े थे, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों ले लिया फिर उनसे? वो उन्होंने बीजेपी से आहत होके, अच्छा आहत होके इस्तीफा ले लिया, आरोप से, ओछे आरोप से आहत होके उन्होंने कहा कि आप पूरे राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, अच्छा, मैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम, अच्छा, करूंगा, अच्छा, और मैं इस पद से मुक्ति चाहता हूँ, मैं इस पद पे बधा रहूंगा, अच्छा, दिल्ली से बाहर निकल नहीं पाऊंगा, अच्छा, दिल्ली से बाहर निकल के पूरे देश के दलितों के लिए काम करना चाहता हूं। नई पटकथा सुना दी आपने, इस भावना को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने, मैं पूछूंगा जब भी मुलाकात हो, स्वीकार किया है, आप पूछ लीजिएगा, आज भी आम आदमी पार्टी के सम्मानित अधिकार, सम्मानित कार्यकर्ता है, सम्मानित पदाधिकारी है, आम आदमी पार्टी में उनका बड़ा सम्मान है। अच्छा, आज भी आम आदमी पार्टी के को संबोधित करते हैं, बात करते हैं, पर उनको आम आदमी पार्टी में और बढ़ गया है पहले। अच्छा, अच्छा बढ़ गया, ठीक है ठीक है, इस्तीफा लेके बढ़ गया होगा, ठीक है। देवी श्रीवास्तव, नितिन भाई की तमाम बातें सुनी आपने, शेर मोहम्मद तकी की बात सुनी, विकास श्रीवास्तव की बात सुनी, क्या जवाब है आपके पास? जी देखिए, तकी साहब सब जगह से घूम फिर करके जी ये बताने में लग जाते हैं कि मनीष सिसोदिया, हाँ, शिक्षा मंत्री थे, ईमानदार है, और आपने गलत आरोप लगाया, ईमानदार थे, हाँ, ईमानदार नहीं। दौरान जांच हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने अपनी अर्जी दी जी, कहीं भी उनकी अर्जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहां से कहा गया था हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे भाई, सुप्रीम कोर्ट भी गए, तकी साहब गलत बयानी ना करिए, आपके पार्टी के नेता हैं जी, और इसके बावजूद उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिली जी। सतेंद्र जैन पिछले 10 महीने से जेल में 22 एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो चुकी है जी, न्यायपालिका ने उनको कहीं भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं समझी जी। ये दोनों जी अरविंद केजरीवाल के जो आजिम नाजिम थे, जिनके सहारे वो भ्रष्टाचार करते थे, खुद तो किसी फाइल में दस्तखत करते नहीं जी, इन्हीं के सहारे भ्रष्टाचार चलता, दोनों जेल में हैं जी। और राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला आया है जी, उस फैसले से अरविंद केजरीवाल बहुत सख्ते हुए हैं जी, उनको लग रहा है कि मानहानि के जिस तरह के मुकदमे में फैसला आया, कहीं मेरा भी नंबर आगे न लग जाए। इस तरह के जो ये लोग उलझूल बयानबाजी कर रहे हैं, एक आदमी जेल से पत्र लिख रहा है, पढ़े लिखे थे, इतना लिख पढ़ दिया कि आबकारी का पैसा दिल्ली से लेकर के गोवा होते हुए तेलंगाना तक चला गया। आबकारी नीति कोई घोटाला ही नहीं है, आबकारी नीति क्या घोटाला बताइए उसको, आप वो क्या आम पार्टी ने घोटाला किया? अरे भाई आम आदमी पार्टी ने तो राज कर रहा है, यहां पिकनिक बनाने ले गई है ईडीसीबीआई, कोई बात नहीं, रूलेशन बनाए गए हैं, नहीं बिल्कुल कोई, अरे भाई वो तो टहलने गए हैं, पिकनिक बनाने गए हैं, चलिए आपकी बात मान लिया, अदालत के आदेश पर पिकनिक बना रहे तिहाड़ में, ठीक खुश अदालत, अदालत के अदालत के देख रेख में मनीष सिसोदिया जी तिहाड़ में, तिहाड़ देशाटन करने गए हैं, देशाटन करने गए, मंडेला भी 40 साल जेल में रहे, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, महाराणा प्रताप के वंशज अभी नहीं बताएंगे मनीष सिसोदिया को, बता दीजिए लगे हाथ कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, एक लोग सरदार भगत सिंह की फोटो लगाते हैं पीछे जी, सत्य के साथ खड़े हैं, अड़े गए, नहीं नहीं अगर एक नाथ शिंदे होते, अरे भाई चले जाते हैं, तिहाड़ में देशाटन करने गए हैं, न्यायालय के न्यायालय की देखरेख में देशाटन हो रहा, ठीक है, एक लोग वो करा रहे हैं, मसाज करा रहे हैं न्यायालय की देखरेख में, अच्छा एक लोग देशाटन करने गए हैं, मैंने अरे भाई हमने ना उनका फेवर किया था, आप वो फिजियोथेरेपी होगी भाई, हमने ना उनका फेवर किया था, आपका कर रहे हैं जी, तो हमारी सरकार में जेल तक गए, नहीं देखिए ऐसा है, वो देशाटन करने के न्यायालय की देख रेख में, अब तो प्रसन्न हो गए आप, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए, ठीक जी, अब आ जाइए कांग्रेस की पीड़ा क्या है, कांग्रेस
को परिवार से आगे कुछ दिखता रही है जी। परिवार में राहुल गांधी को न्यायालय ने सजा कर दी। अच्छा, राहुल गांधी मोदी सरनेम को गाली दे रहे हैं। अच्छा, सब मोदी के सब चोरों के सरनेम मोदी के होते हैं, राहुल गांधी का वर्डिक्ट है जी। अदालत ने सजा कर दी जी, कहते हैं हम माफी नहीं मांगेंगे जी। मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ जी। भाई मैं तो नहीं जानता राहुल गांधी गांधी है जी, किस वंश परंपरा से गांधी अपने आप को बताते हैं। अच्छा, नृपेन जी बैठे हैं, पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, किस ब्राह्मण हैं जी, किस वंश विच से वो गांधी अपने आप को बताते हैं जी, यही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हो सकता सुनील जी बता सके जी। तो ऐसे में आप गांधी भी नहीं हैं जी, सावरकर आपकी बनने की हैसियत नहीं है जी, सुप्रीम कोर्ट में आप माफी मांगे हैं जी, 7 जगह से जमानत पे हैं, उसके बावजूद भी आपका अहंकार ये चरम पे है जी। सत्यता यह है कि कांग्रेसी चाटुकारों ने उनको चने की झाड़ पे चढ़ा करके निपटवा दिया। अच्छा, और उनको फुर्सत मिल गई जी। ऐसे जब राहुल गांधी बोलते थे तो सबको पीछे खड़े होकर ताली बजाना पड़ता था जी। अब वो ताली बजाने से कांग्रेसी छुट्टी पा गए, न रहे राहुल गांधी न बजेगी ताली जी जबरदस्ती की, ये तो कांग्रेस का रहा। हमारे समाजवादी मित्र काशीराम जी के समर्थन से गठबंधन से सरकार बनाए, साल भर नहीं बीता बहन जी के साथ गेस्ट हाउस कांड कर दिए। अच्छा, उसके बाद कहते हमने कांड किया, यार आपको बार बार आती है, हमें नहीं आती, बहन जी को भी आई है, पिछली डिबेट में भी आ गई थी, अभी कुछ दिन पहले बहन जी तो पहले नहीं आई थी, जब गठबंधन कर ली तब यार नहीं आई थी क्या बहन जी को? नहीं, ये तो भाई भूल गई थी क्या? ये तो बहन जी बता सकती है जी, हम तो इस बात की बात कहते हैं, तो क्यों आ रहे पूछने, हम तो इसलिए, हमें तो इसलिए आती कि हम बचाने गए थे। अच्छा, हम न होते तो आज मायावती जी का अध्याय थोड़ी सी राय बसपा प्रमुख में भी ले लीजिए भाई, कि एक तरफ तो आप गठबंधन कर देती हैं, दूसरी तरफ आप सपा की बड़ाई कर रही हैं, गठबंधन कर लेती है वो क्या करती है उनका विषय है, थोड़ा उनको भी याद दिला दिया करिए, जो समाज में दिख रहा है थोड़ा उनको भी याद दिला करिए, सरकार बनवा चुके हैं। अच्छा, जो रोजी ये नहीं बोल सकते उनको, अच्छा तीन तीन बार उनसे गठबंधन करके सरकार बना चुके हैं। देखिए नितिन जी, हम तो बहन मानते हैं, हमने भाई का धर्म निभाया। अच्छा, तिलक तराजू और तलवार, ये उन्हीं बहन जी से तीन बार गठबंधन करके अच्छा सरकार बना चुके, इसलिए नहीं हमारा आज भी मत है कि बहुसंख्यक समाज में हम विभाजन नहीं मानते। अच्छा, अगर हमारे कोई बुराई भी करता और संकट में है तो उसकी मदद को जाते हैं। अच्छा, ये जो डारे आप बता रहे, ये बहुत पहले काशी राम जी के समय में लगता था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, में पूरा नारा आपको सुना दे रहा हूँ, ठीक, ये लगता था। उसके बावजूद भी दलित की बेटी की हमने रक्षा की, क्योंकि अच्छा हम उसे अपनी बहन मानते हैं। अच्छा, और आज भी मानते हैं। अच्छा, हमें लाख कोसती रहे राजनीत के हिसाब से, हमने आतंक से, हमने समाजवादियों के आतंक से बहन मायावती की रक्षा की थी। जवाब जवाब दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, बताइए बताइए, सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है विवेक जी, ऐसा है उस कांड की जिसकी आप बार बार याद करते हो, आप बहुत ही ऐसी हो उस कांड के, बहुत याद आती है, कांड में जिन जिन लोगों को बहन जी ने नॉमिनेटेड किया था, उन सारे लोगों को बहन जी ने अपनी पार्टी में शामिल करके विधानसभा और लोकसभा का टिकट दे करके उनको पार्टी में विधायक और सांसद बना चुकी थी नेताजी से गठबंधन करने से पहले, और अच्छा उसके बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुकी थी, और इसके बाद हलफनामा कोर्ट में खुद दिया कि वो घटना झूठी थी, तो जब बहन जी खुद कोर्ट में हलफनामा दे कह चुकी कि घटना झूठी थी, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था उस कांड को उकसाने का, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने यह घटना रचित थी और उसको सहानुभूति दलितों का मिले और मुख्यमंत्री उनको बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और ये दलित पिछड़ा गठबंधन हमेशा के लिए टूट जाए इसके लिए कहानी रची थी। अब ये बात सार्वजनिक हो गई, सब जान गए, दलित भी जान गए, पिछड़े भी जान गए, इसलिए अब रोना मत रोइए इसका, इसको विधवा मत रोइए विवेक, बिल्कुल हम नहीं रोएंगे नितिन जी, क्यों याद कर रहे, ये घटना तो पूरे प्रदेश ने देखी है, मायावती जी ने खुद बताई है, सब सुनी है, बोला सुनी है, और इस घटना के गवाह हुई थी, तो आज तक किसी को सजा फांसी हुई क्या? अरे, अरे भाई सजा विवेक जी सुनिए तो विवेक जी, हाँ बोलिए बोलिए, 2019 में कोई कह देता है मोदी सारे चोर है,
तो उसको सजा भी हो गई, हाँ। सदस्यता चली गई। ये बताइए तो 1991 की आप घटना बता रहे हो जी, और जी। आज कितने साल हो गए, 30 साल में कुछ हुआ क्या? नितिन जी एक मिनट का जवाब ले लीजिएगा, जवाब ले लीजिए। 100 से अधिक मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर थे, अच्छा पहले मुकदमे में सजा हो पाई है? अच्छा ये योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल की देन है। इसमें सजा होगी क्या? अब गैसेंस कांड में सजा कराएंगे क्या? और सुन लीजिए, हाँ। सजा तो मुलायम सिंह जी को भी नहीं हुई, अच्छा आईपीएस को धमकाने के आरोप में, अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग की वॉइस टेस्टिंग भी नहीं हो पाई, अच्छा तो आपका कानून है जी, आप चाहे अतीक अहमद कुत्ते से हाथ मिलावें जी, चाहे मुख्तार अंसारी को डीजीपी दफ्तर टहलवावें जी, आपका रास्ता आपने जो समझ में आया किया, अच्छा हम तो कानून के पालन करने वाले लोग कानून का पालन करवा रहे हैं, उसमें चाहे राहुल गांधी को सजा हो, हाँ। चाहे मनीष सिसोदिया जेल जाए, हाँ। चाहे सतेंद्र जैन जेल से न छूटे, हाँ। ये न्यायालय तय करेगा, अच्छा न्यायालय की दहलीज तक पहुंचाने का काम हमारे प्रशासन का। ये कौन है? ये कौन है देख लीजिए, ये कौन है भैया बताएंगे? कौन है बताएं? अदानी को न्यायालय की दहलीज तक पहुंचाएंगे, आपके नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी है, अतीक अहमद से इस तरीके से गलवैया डाल रहे हैं पुरानी महबूबा से दोस्त निभा रहे। देखो देखने का तरीका, देखो कितने प्यार से निभा रहे हैं। और उनकी बहन ने कहा है, उनकी बहन ने कहा है 6 करोड़ रुपया हमारे कब देंगे जी, ठीक है। और आपको पता है, उमेश की हत्या आपके मंत्री ने करवाई, चूंकि वो मेयर का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से होने जा रहे थे। ठीक है, उमेश पाल भारतीय जनता पार्टी में थे कि नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी से मेयर के टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? कौन मांग रहे थे? इसलिए अब न्यायालय काम करने दीजिए, ऐसे आरोप मत लगाओ जिसमें कि मुंह काला हो जाए भारतीय जनता पार्टी का। अगर ये सरकार ना होती और सही जांच होती तो आपका मंत्री जेल में होता। आप 156(3) में मुकदमा करवा दे नंदी जी के ऊपर, नंदी जी जेल चले जाए। अरे आप बताओ, आप ये इसको कब बाहर निकालोगे पार्टी से? इसके संबंध कौन है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल अतीक अहमद है जी, ये अतीक अहमद। अरे भाई रुक, ये रिश्ता बताओ ना क्या कहलाता है भाई? नंदी जी भी देवरिया जेल से नहीं, उनको ये शिष्टाचार मुलाकात कौन लाया था? भाई शिष्टाचार मुलाकात होगी। अच्छा सुनो, हाँ। गौरव जी, ये जब इन्होंने छेड़ा तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ। देवरिया जेल में जब ये बताओ कि बरेली जेल से रातों रात आदेश करा के चुनाव आयोग से इलाहाबाद की जेल में कौन शिफ्ट करके लेके आया था योगी जी? देखिए क्या जरूरत पड़ी थी कि इसको चुनाव इलाहाबाद लड़ने आया है तो चुनाव आयोग से आपने रातों रात परमिशन ली थी? ये नितिन जी चुनाव आयोग का विषय है। अच्छा चुनाव आयोग का विषय नहीं है, परमिशन सरकार मांग रही थी। ये शासन का कार्य नहीं है विवेक जी, चुनाव आयोग के दौरान के विषय। विवेक जी सुनो तो, आप विषय को डिरेल कर रहे थे। अच्छा आप डिरेल कर दिया आप मेरी बात को। अरे हम कहते नंदी ने लिया, ये बकरा दो ये फांसी चढ़ जाएंगे। अगर एक भाजपा का कार्यकर्ता नंदी के पीछे काले कपड़े पहन के घूमता नजर आए तो उसकी सदस्यता मैं समाप्त कराऊंगा। लीजिए आप बताओ जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपराधियों के साथ खड़ी नहीं होती। लीजिए अगर नंदी ने गलत किया है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपील करो, आपके पास वकील है जी, आप कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजे हो, भरा दो फांसी। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काला कपड़ा पहन कर नंदी के पीछे घूमता दिखाई दे, उसकी सदस्यता रद्द कराने का वचन मैं देता हूँ भारतीय जनता पार्टी। शामिल होना भी क्या हो गया? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तकी बोलिए, तकी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? तकी बोलिए, मैं कह रहा हूं कि अजीत पवार के ऊपर करप्शन के चार्जेस उन्होंने लगाए थे और सारे चार्जेस 24 घंटे के अंदर ले लिए गए थे जी। जब उन्होंने अपना समर्थन वापस किया था वो भूल गए जी। एक नाथ शिंदे जी, एक शिंदा के ऊपर सीबीआई के चार्जेस बीजेपी ने लगवाए थे जी। सब एफआईआर कहे था कि फाइल सारी रोक दी गई जी। जब उनको जब उसको बीजेपी में जब चले गए वो भूल गए आप। हिम्मत विश्वास कांग्रेस में आपने
चले तकी भाई, सही मत तकी, डिबेटियल मत कराइए भाई, आप दलित मुद्दे में बिल्कुल नहीं बोले हो, आप अपने विषय में बात करो, सही मत तकी, आप बिल्कुल नहीं बोले हो, कोई प्लान नहीं आपके पास, ठीक है, सही मत तकी, मुद्दा था कि अमित शाह यहाँ पर आए हैं, इस वर्ग की बात कर रहे हैं, इस वर्ग को अपने पाले में करने के लिए या इस वर्ग के भले के लिए आपके पास क्या रणनीति है, कितने अध्यक्ष आपके दलित वर्ग से हैं, कितने प्रकोष्ठ आपके पास हैं, कितने लोग आपके इस वर्ग में रखे हुए हैं, आम आदमी पार्टी वाले तब तो इस पे काम करेंगे। अच्छा, टिकट ब्लैक करने के वाले को राज्यसभा भेज देंगे। अच्छा, उसके बाद कहेंगे कि हम राजनीति में का कायाकल्प कर देंगे। अच्छा, ये टिकट ब्लैक करने वालों से क्रांति नहीं होगी। मोदी जी की डिग्री के बारे में बात कर ली है, टिकट ब्लैक करने वालों से भारत हाई कोर्ट फैसला दे चुका है, नहीं होता डिग्री भर्ती, टिकट ब्लैक कौन कर रहा है भाई, टिकट ब्लैक करने वालों से साहब कौन टिकट ब्लैक कर रहा है भैया, क्रांति ये परिवर्तन ये राजनीतिक, चले ठीक है, चले ठीक है, हो गया ठीक है, सुनील ठीक है, पत्रकार जुड़े हैं, सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी ठीक है, सुनील भाई देश में आप जुड़ पाए जी, सुनील भाई आप सुन नहीं पाए जी, बोलिए अमित शाह, अमित शाह का दौरा था, बोलिए सुनील जी, आप एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा जी, कि राहुल गांधी जी किस वंश परंपरा से गांधी है, ये आज बता दीजिए आप देश को। अच्छा सुनील त्रिपाठी पत्रकार बोलिए, गौरव जी जी यूपी दौरे पर अमित शाह आए हुए थे और उनके उनके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि कौशाम्बी आजमगढ़ समेत पूरे दलित वर्ग को साधने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, सपा के मिशन काशीराम को चुनौती दी जा रही है और विवेक श्रीवास्तव आपसे अलग सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि ये सवाल पूछने का तो केवल मुझको है, पर विवेक श्रीवास्तव पूछ रहे जवाब दे दीजिए, फिर विकास श्रीवास्तव जवाब लेंगे आपसे, बोलिए सवाल तो हम करते हैं, हमसे भी कर सकता है, करो जी ऐसा है जी कि दलित जो है ना भाजपा से अलग है ना अलग होगा। अच्छा आज स्थिति ये हो गई है, एग्रीमेंट हो गया क्या, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, चुनाव देख रहे हैं, अगर दलित तोड़ने दे रहा है तो भाजपा कॉपी आपको पता ही है क्या, एग्रीमेंट की कॉपी आई है क्या आपके पास, नहीं एग्रीमेंट का फिर 24 में देख लीजिएगा आप, अरे भाजपा के विकास विकास श्रीवास्तव कुछ बोल रहा है, विकास श्रीवास्तव कुछ बोल रहा है, विकास जी बोलिए, बोलिए बोलिए विकास जी बोलिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी बताए कि भारत के किस राज्य में दलित चीफ मिनिस्टर इन्होंने दिया है जी, हमने दिया है अभी भी है हमारे पास जी, अति पिछड़े बता दें जी, दलित बता दें किसको कहां चीफ मिनिस्टर इनका, अति पिछड़े कितने चीफ मिनिस्टर इनके पास है जी, वोट लेने के से और एक इन्होंने भाजपा में दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष, भैया हटा दीजिए इसको थोड़ा सा, तकी साहब थोड़ा सा डिबेट भाई, 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 एक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया जी, एक बंगारू लक्ष्मण को साथ में खरीद लेते, बंगारू लक्ष्मण को इन्होंने लूट में फंसा दिया, एक दलित बर्दाश्त नहीं कर पाए, एक अदर छाता भी और खरीद लेती कांग्रेस, अरे सोनिया गांधी जी को लगाया था अपने अध्यक्ष को भी लगा देते, एक अदर छाता तो ना खरीद, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कौन है जी, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन है जी, आप ये उधार समाज को हमेशा बांटेंगे, नफरत नहीं होते, आपकी सोच है ये इनका, आरएसएस को आप सम्मान नहीं देते, जहां वैचारिक लड़ाई लड़ी वहां दलितों का उत्पीड़न, खिलाफ संघर्ष करते भी सरकार आने के बाद, देखिए एक साथ दो लोग नहीं बोल रहे, आप बोलिए क्योंकि बहुत ज्यादा भारत सत्ता भी है तमाम सारे राज्यों में, सरकार भी आप बताते हो, इसके बाद इतनी हिम्मत नहीं है कि दो मिनट कांग्रेस को सुन पाइए, बोलिए हमने तो नहीं बोला, आपने पूरा सुना है, आप बिल्कुल बोलिए, लोकतंत्र का गला घोटते घोटते माइक बंद करते करते संसद सदस्यता समाप्त करते करते संविधानिक संस्थाओं को घुंघरू पहनाते पहनाते खुद भी घुंघरू पहन के नाचने लगे भाजपा के प्रवक्ता महोदय। अच्छा देखिए देश को संविधान से चल सकता है, और देश का संवैधानिक ढांचा जिसने तैयार किया है वह बाबा साहब है, सभी संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना करके जी, भारत के संविधान को कुंद करके जी, सीजीआई ने कहा है कि राज्यपाल ने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में बाबा साहब के संविधान की हत्या किसने किया, कर्नाटक में, मणिपुर में, गोवा में, आपने देखा उत्तराखंड में जी, भारत का जो संविधान है जो बाबा साहब ने ताकत दिया उसको कुंद किसने किया, संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाने के साथ साथ पिछड़ों दलितों के लिए जो रोहड़ी आयोग बना था उसके कार्यकाल को बढ़ाकर पूरे विपक्ष को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या किसने की, महात्मा गांधी की हत्या किसने करी, संविधान की हत्या बताइए,
अशिक्षित अशिक्षित प्रवक्ताओं से नहीं बात कर पाऊंगा। भाजपा का कोई शिक्षित प्रवक्ता लाइए, ये भक्तों की तरीके से जो शोर मचा रहे हैं इनको क्योंकि नहीं है। विकास भाई पूरी बात करिए, बोलिए ये कुतर्क क्यों कर रहे हैं। 1975 को इनकी आवाज बंद कर दी तो मैं बोल पाऊंगा। विवेक भाई, विवेक भाई पूरी आप जवाब दीजिएगा, बोलिए विकास भाई पूरी करिए, विकास भाई बात पूरी करिए, बोलिए। देखिए रोमेला की हत्या जी एक यूनिवर्सिटी के अंदर हुई जी, समाज को आपने कौन सा 9 वर्ष में आपने क्या दिया जी? एक दलित छात्र की हत्या होती है जी, और उसको समान न्याय नहीं मिलता है। हाथरस में एक बेटी की रात के अंधेरे में उसका दाह संस्कार तक नहीं सम्मान से हो पाता है हिंदू रीति रिवाजों से। पहले भाजपा तय करे क्या दलित तंदूर में भूंदे दे रहे हैं, हिंदू नहीं है। तंदूर कांड याद कर लीजिए, आपको तंदूर कांड याद दिला रहे हैं। बड़ा यार नाजायज तरीके से अनैतिक दबाव बना करके डिबेट को डिरेल कर रहे हैं बंदे। ये इतनी देर से डिरेल का 70% हिस्सा इन्होंने कुतर्क किया, पर इन्होंने दलित मुद्दे को इन्होंने हमेशा डिरेल किया जी, डिरेल कर रहे हैं। यहाँ असली लड़ाई है अमित शाह और योगी में बड़ा कौन है, लीजिए लीजिए। और ये असली लड़ाई है, मोदी जी ने कहा उत्तर प्रदेश की 80 सीट है जी, और योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह आपसे बड़े नेता बन रहे हैं जी। अब आपके पास विषय नहीं है जी, तो मुद्दा विहीन, चेहरा विहीन जी, तत्परक राजनीति से विहीन जी। उनको लगता है ये 22% वोट जिसके साथ इन्होंने सामाजिक अन्याय किया है इन 8-9 वर्षों में और 6 वर्ष में जी, उसको अमित शाह जी जी वही पुरानी बोतल में नई शराब भर के देश की जनता को दलित को गुमराह कर पाएंगे जी, वो हो नहीं पा रहा है जी। 8 राज्य बता दीजिए, 5 राज्य बता दीजिए जहाँ पे दलित चीफ मिनिस्टर आपने बनाया हो। पूछ रहता समय हो गया, पूछ रहता। विवेक श्रीवास्तव हमारे पास तो लिमिटेड सी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, इसके बाद भी अति पिछड़े और दलितों का प्रतिनिधित्व है। ठीक है। विवेक श्रीवास्तव बोलिए, देश को आजादी के इतने वर्षों में जी हमने समाज के अंतिम पायदान पे खड़े आदमी को जी भारत के राष्ट्रपति के पद तक पहुँचाया है। लीजिए आपने उसके पहले केआर नारायण को कांग्रेस ने नहीं बनाया, आदिवासी रही थी। अच्छा आदिवासी नहीं थी, पहला तो केआर नारायण आदिवासी समाज से नहीं थी। मीरा कुमार जैसी लोकसभा अध्यक्ष थी दलित, कांग्रेस ने तो जगजीवन जी जो इस पूरे समाज वाले व्यक्ति को हवाई चप्पल पहना दी। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम के साथ बाबू जगजीवन राम के साथ तपस्या को इस देश से नहीं कभी निकाला जा सकता। बाबू जगजीवन राम के केआर नारायण मीरा कुमार जी के त्याग तप तपस्या बलिदान किया है। आपने नकार दिया, आपको जहां आदिवासी सबसे ज्यादा थे छत्तीसगढ़ झारखंड वहां से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया। दलित सर्वाधिक हमारे पास है, पिछड़े दलित आदिवासी समाज था वहाँ नकार दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के लूट करते हैं। अच्छा आपने वहाँ पर कर्नाटक से आपको सुनील त्रिपाठी बोलेंगे, सुनील त्रिपाठी पर आपने वहाँ पर सुनील भाई बोलिए आपसे खत्म करता हूँ। हाँ गौरव जी, ऐसा है जी कि दलित देख चुका है कि अन्य सरकारों में हाँ। न घर में लाइट होती थी, विद्युत व्यवस्था भी नहीं थी और हाँ। अधिकांश हमारी दलित बेटियां और बहुएं माएं रोटी बनाने के लिए तरस जाती थी, लकड़ी भी नहीं मिलती थी। आज उज्ज्वला योजना से दलितों के घर में चूल्हा जल रहा है, बल्ब चल रहे हैं, राशन मिल रहा है। इसलिए दलित जो है समझ गया है कि हमारा भला किसके साथ में है और आगामी चुनाव में आपके लिए भाजपा को छोड़ने का दलित नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की दलित बैकवर्ड शोषित की बात नहीं करती है, सबका विकास सबका साथ ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जो 5 किलो राशन के नाम पर दलितों के स्वाभिमान सम्मान पर सीधा कुठाराघात किया जा रहा है, उनको राजनीतिक चेतना राजनीतिक दलितों से बाहर किया जा रहा है। मोदी जी की सरकार बनी कैसे बनी जी, इसका मतलब विपक्षियों को ये राहत नहीं आ रहा, दलित वर्ग को भ्रमित करना चाह रहे हैं जी। दलित कहीं जाने वाला नहीं है, वो देख रहा है कि हमारे घर में उजाला भी आ रहा है, गैस भी आ रहा है। सुनील त्रिपाठी विवेक से तो कुछ बोलना भाई जी। सुनील जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी किस वंश परंपरा से गांधी हैं। अरे ये कौन सी बात है भाई, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। राहुल गांधी ये कौन सा क्वेश्चन है विवेक भाई, पार है ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं आप भैया। परंपरा से अमित शाह जहाँ तक मुझे जानकारी है, तड़ी पार आ गया और आप उनको भारत गांधी हैं। अच्छा
जहाँ तक मुझे जानकारी है। क्या राहुल गांधी किस पद पर अपराध गांधी है जी? अरे कौन सी बात है श्रीवास्तव भाई, ये कौन सी बात है भाई? राहुल गांधी जिस गांधी को आपने गोली मारी है, बैठते बैठते पड़े वो अलग बात है, लेकिन गौरव जी दलित कहीं जाने वाला नहीं है और दलित एकदम मुंह की बात करता है। अजय भाई पे क्या हो गया? गांधी के नाम राजीव गांधी को दिया, उस गांधी के नाम राहुल गांधी को दिया, ये उनकी महानता है जवाहरलाल नेहरू की। जिस गांधी को नाथूराम भोसले ने गोली मार दी थी, बनाते हैं आप लोग। चले हो गया, बोले सुनील भाई जल्दी बात करिए। भारतीय जनता पार्टी ने हवाई जहाज, सुनील भाई जल्दी जवाब दीजिए। ताकि भाई प्लीज, ताकि भाई आपका टर्न हो गया। सुनील भाई अपनी बात करिए, विकास यादव जवाब देंगे। सुनील भाई जल्दी बोलिए। कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने घर घर जाके दलितों का भोजन किया जी, लेकिन उसके बावजूद दलित ने वोट नहीं दिया। अच्छा, क्या दलित भूल सकते हैं कि लगान के लिए 15-15 दिन जेल काटते थे? अच्छा, वो दिन दलित नहीं कभी भूल सकता है जी। 100 रुपए के लगान के लिए दलित बेचारे 15 दिन जेल काटनी पड़ती थी जी। तो लोग भागना पड़ता था। और गौरव जी एक घटना मेरे साथ हुई है, मैं तस्वीर दुआ हूँ। एक दलित बेचारे पास 2 बीघे जमीन थी और बीमार हुआ तो जमीन बेच नहीं पाया। हो गया हो गया हो गया। आप सभी मेम्बर इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा थी अमित शाह के दौरे पर कैसी राजनीति हो रही है। कौसाम्बी और आजमगढ़ के दौरे पर थे और आज वहाँ पर दलित सम्मेलन को संबोधित किया। इन सम्मेलनों के माध्यम से एक अलग पदकथा बनाने की व्यवस्था की जा रही है। दलित समाज किसके साथ देगा, दलित समाज किसके लिए जाएगा और दलित समाज का जो जनाधार है वो किसको मिलेगा, ये फिलहाल एक यक्ष प्रश्न इसलिए है क्योंकि फिलहाल ये वर्ग भाजपा के साथ में है और सपा इसको अपने में पाले में करने का प्रयास करती नजर आ रही है। कांग्रेस अलग पदकथा के साथ अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में किस तरह व्यवस्थाएं जाएगी, वर्ग किस तरफ जाएगा, जनाधार किसको मिलेगा, संघर्ष किसका सफल होगा, वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात स्पष्ट है कि अभी तक इस वर्ग की किसी को याद नहीं आती थी। चुनाव आ गया है, निकाय चुनाव आ गया है, 24 चुनाव आ गया, इसलिए इस वर्ग की तरफ सबका ध्यान आकर्षित हो गया है। अगर वास्तव में इस वर्ग के भले के लिए, इस वर्ग की बेहतरी के लिए काम करना है तो बेहतर काम करें, सुनवाई करें, उपेक्षा ना करके इसकी भलाई के लिए काम करें और इसको वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लेके आए। अगर मुख्य धारा में ले आएंगे तो शायद ये वर्ग तो जरूर रहेगा पर उसके साथ शोषित और गरीब होने का जो तमगा है वो कहीं ना कहीं हट जाएगा। इस वर्ग की बेहतरी के लिए काम करें और वास्तव में ये वर्ग अगर शोषित है, क्योंकि हम लगातार जो तमाम तरह की चर्चाएँ सुनते हैं, जो आंकड़े आते हैं, जो खबरें आती हैं, वो बताती हैं कि आज भी इस वर्ग को वंचित रूप में रखा जा रहा है। अनदेखी ना करें, संघर्ष करें और वास्तव में इस वर्ग के लिए अगर आपके मन में कुछ भाव है, विचार है, संवेदना है तो इस वर्ग के लिए भला करिए, आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, अनदेखी ना करिए और केवल चुनाव के समय याद ना करिए। अगर याद करना है तो इसको आगे बढ़ाने के लिए याद करिए, जिससे ये वर्ग आगे बढ़ सके और हमारा जो देश का सपना आ रहा है कि विश्वगुरु बनने का, वो पूरा हो सके। क्योंकि विश्वगुरु बनने में पूरी आबादी का साथ चाहिए, ना कि कुछ विशेष वर्गों का। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।